अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपसे क्विक रेसिपी शेयर कर रही हूँ चिकन लोडेड फ्राइज़ विद वाइट सॉस, जिसमें मैंने 12 अदद आलू लिए थे, उनको कट करके आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था 1 टीस्पून सॉल्ट डाल के। उसके बाद मैं इनको बॉईल कर रही थी, बॉईल मैंने किए तकरीबन 30 मिनट्स के लिए, और फिर मैंने उसको छान लिया था तकरीबन 10-15 मिनट के लिए, मैंने उसको छोड़ दिया था पानी अच्छे से, जब खुश्क हो गया तो मैंने उसको फ्राई कर लिया। फ्रेंच फ्राइज़ हमारे बिल्कुल रेडी हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार, अंदर से भी फुली कुक्ड हैं, और देख लें बिल्कुल भी कहीं से ज़्यादा ब्राउन नहीं है। इसको बॉईल करने का मकसद यही होता है कि हमारी जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं ज़रा जल्दी से फ्राई हो जाए और ज़्यादा ब्राउन ना हो और ज़्यादा हार्ड भी ना हो। तो ये बड़ी मज़े की थी। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट है, 1/2 टीस्पून पैप्रिका पाउडर है, 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर और 1 पिंच काली मिर्च। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इस पर स्प्रेड करेंगे और एंड में थोड़ा सा बचा लेंगे ताकि हम अपनी रेसिपी के ऊपर जो है एंड में स्प्रेड करें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये जी हमारी फ्रेंच फ्राइज तो रेडी हैं, और ये थोड़ा सा मसाला भी हमने बिल्कुल साइड पे रख दिया ताकि हम एंड में इसको स्प्रेड कर लें, और ये मैं आपको खा के भी दिखाती हूँ। ये बड़ी मज़े की थी, मैं तो साथ साथ एक एक जो है उठा उठा के खाई जा रही थी, बहुत मज़ेदार बनी हुई थी। तो जी अब हम बढ़ते हैं अपने चिकन की जानिब, जो हमने बनाना है। चिकन हमने 1/2 kg लिया था और 1 टीस्पून था चिकन पाउडर एंड 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टेबलस्पून मक्खन। सबसे पहले हम फ्राइंग पैन में डालेंगे मक्खन। मक्खन जब हल्के से मेल्ट हो जाएगा, इसके बाद हमने अपने स्पाइसेस ऐड करने हैं, और एंड में हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। चिकन को हमने अच्छे से फ्राई करना है कि ये अच्छे से कुक हो जाए। चिकन हमारा बिल्कुल रेडी है, इसको हम रख देंगे साइड पे। अब हम फ्राइंग पैन में 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे बटर। ये हम बना रहे हैं अपनी सॉस, वाइट सॉस, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। 2 टेबलस्पून हमने मैदा ऐड करना है, इसको हम मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर एंड 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसके बाद हम ऐड करेंगे 2 कप्स ऑफ या फिर 2 ग्लास ऑफ मिल्क। मिल्क ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर हम ऐड करेंगे 1/2 कप ऑफ क्रीम। क्रीम आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको अच्छे से कुक करना है। जब इसके बॉईल आने लग जाएंगे हल्के हल्के से, तो फिर हम इसमें 2 टेबलस्पून गार्लिक सॉस ऐड करनी है, टमाटो केचप जो होती है, और 1/2 जो मोज़रेला का पैकेट, छोटे वाला पैकेट होता है, वो वाला हमने 1/2 इसमें ऐड करना है और अच्छे से मिक्स करना है। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो इसमें हम अपना कुक जो हमारा चिकन है वो हम ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद हमने तकरीबन बिल्कुल हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए इसको पकाना है, और ये देखें फ्राइंग पैन में ये छोड़ रहा है रास्ता, बिल्कुल चिपक नहीं रहा है, तो इसका मतलब है ये हमारा अच्छे से जो सॉस है वो रेडी हो चुकी है। उसके बाद हम ट्रे में सबसे पहले अपनी फ्रेंच फ्राइज़ की लेयर देंगे, उसको अच्छे से स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर हम अपना जो हमारी सॉस है, चिकन सॉस जो हमने बनाई है, उसको फैलाएँगे। एंड में जो हमारे पास स्पाइसेस थोड़ी सी बची हुई थी, हमने बचा ली थी, वो हम स्प्रेड कर देंगे, और ये हमारा बड़े मज़ेदार सा, ये हमारी जो वीडियो है वो उल्टी हो गई है। तो हमारे जो चिकन लोडेड फ्राइज़ हैं वो बिल्कुल रेडी हैं और बहुत मज़ेदार हैं। बहुत इजी रेसिपी है, आप भी बनाएं, आप भी खाएं, और मुझे दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सबका ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।